नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन बुधवार और दोपहर का टाइम हो रहा, 12 बजने वाले हो रहे हैं और मुझे जाना है मार्केट आंटी के साथ। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए आंटी के साथ, क्योंकि आंटी को लेके आना है कुछ सामान, तो फिर लेट हो गए, फिर नहीं जा पाए। तो आज हमने सुबह ही कर लिया था, मैंने कहा आज जाएंगे, फिर भी हम लेट से ही हो गए। तो कृष्णा आता है वैसे तो 12:30 बजे, उसके डैडी उसको ले लेंगे उधर से ही। लोक बिट ये रहा, तो इसीलिए बस आंटी भी नीचे वेट कर रही है। आंटी हो गए रेडी? अच्छा, मेरी वेट कर रहे हैं। आंटी जी भी नीचे ही खड़े। असल में मैं थोड़ा सा अपना जो बचे हुए से काम है, फिर ये है कि बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे अपना काम सा समेट लें ना, तो अगर टाइम भी लग जाए फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन लोक लगा दे बाबू। तो चलिए जी बस, और असल में मेरी दवाई भी ख़त्म हो रही है, आज मैंने दवाई भी नहीं ली। और पीयू के डैडी सुबह पूरी टेंशन सी में गए, कह रहे थे कि रास्ते में से ले लिए एक खुराक तो ले लिए, बाकी फिर ला दूंगा मैं। लग गया राजा? इधर दूसरी साइड लगेगा, ये दूसरी साइड। पता हमारे बच्चों पर लोक नहीं लगाना आता। हो गए तैयार आंटी जी? अंकल जी भी चल रहे क्या? नहीं मैडम, मैं छोटे को मारता। अरे नहीं, मिल जाएगा आंटी जी ऑटो, चलेंगे थोड़ा सा आगे को, ये खड़े तो होगा ही करता हो तो। अंकल जी भी परेशान होंगे, या फिर आप चलो अंकल जी, आपको स्कूटी पे वो उस पर लेके चलेंगे, मैं पैदल आ रही हूँ। अगर ऑटो मिल गया इतना आप रोक तो लियो, या नहीं अंकल जी? नहीं हम चले जाएंगे, चलो आप लड़ियां ठीक कर दे। अच्छा अंकल, लड़ियों में लग रहे क्या आज? आंटी जी भी उलझा गई रखे अंकल जी। लड़ियां पड़ियां ना, तो मैं उधर ना उधर। अच्छा लगाओ, अच्छा लगाने के लिए आ जाओ। उसकी लड़की थी ना वो? हाँ बता रही थी आंटी जी, मुझे बता रहे थे। हाँ वही जाएंगे, ठीक तो लगी जाएंगी, ये तो महंगी भी बहुत है, मैं फिर चलती नहीं। चल चल जाऊंगे हम घूमते फिरते। और क्या, तंगों को भी थोड़ा सा आराम सा मिलेगा हमारी। अंकल जी के लिए क्या चिप्स चैप्स के पैकेट ले आवा क्या? या टॉफी टॉफी अंकल जी? अच्छा वो तो आंटी ले आवांगी अंकल जी, या उन्हें कहियो। ठीक है अंकल जी। कि मैं और आंटी चल दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, और मैं आंटी को लेके आई थी उसी दुकान में जहां आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मतलब मैंने स्वेटर कहां से लिए। तो यहां पे आंटी को लेनी थी कुछ बेडशीट, और यहां पे ना मतलब जो बेडशीट थी, जो वुलन बेडशीट है, वो तो एक दो ही थी, लेकिन जो खोल होते हैं ना, या कवर बोल लीजिए रजाई के या कंबल के, वो इतने सुंदर सुंदर थे, उन्हें देख के ऐसा मन कर रहा था कि एक के बाद एक ले लो। मतलब बेडशीट जैसी शेप में ही थे, बस वो कवर थे। तो आंटी को कुछ बेडशीट वगैरह लेनी थी, तो मैं आंटी के साथ ही आई थी। तो वहां से पिंजौर से चले जब हम, सॉरी जहां रहते हैं वहां से हम चले, तो काफी दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा। फिर बाद में जाके एक ऑटो मिला, फिर वहां से ऑटो से हम बस स्टैंड पे उतरे, फिर वहां से आगे हम दुकान तक पैदल गए। तो फिर वहां से हम मतलब इसी तरीके से करते करते पैदल ही चल रहे थे मैं और आंटी। तो यहाँ पे देखिए दोनों हम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ ना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि लाइट नहीं थी नीचे वाले जो पोर्शन में ना, ये काम लग रहा है इस दुकान में, तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो फोन की लाइट जला जला के तो डिजाइन देखने पड़ रहे थे। और सही में बताऊं बहुत सुंदर सुंदर थे। तो आज मैं और आंटी चल दिया शॉपिंग करने। मैं तो लाई नहीं थी खरीद के कुछ भी, क्योंकि अभी मुझे खरीदना नहीं था, मेरे पास काफी सारे हैं। तो मैं जब जाऊंगी बाद में देखूंगी, कभी जब आगे और सस्ता हो जाता है यहाँ पे जाके, जब थोड़े दिन बाद जाते हैं ना तो और सस्ता मिलता है, तो मेरा था मैं तब लेके आऊंगी। वैसे भी यहाँ पे ज्यादा नहीं महंगी मिली, ये जो बेडशीट मैं हाथ में ले रही हूँ 250 की एक थी ये, बस इसके साथ पिल्लो नहीं थे, तो वही मतलब सुंदर लग रहे थे। और आंटी जी ने ना डार्क से ही कलर लिए क्या थे ही, दो ही कलर और एक मल्टी कलर सा था, वो तो अच्छा नहीं लगा, तो ये था एक मल्टी कलर, ये नहीं अच्छा लगा। तो और वो पर्पल से वाला भी बाद में ही मिला, नहीं तो ब्राउन वाला ही था। तो आंटी ने वो दोनों फ्लावर प्रिंट वाले लिए थे। उसके बाद हम ऊपर वाले पोर्शन में गए, तो वहां पे ना आंटी को दीवान के लिए बेडशीट लेनी थी गर्म ही, यहाँ नीचे दीवान वाली बेडशीट नहीं थी, जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऊपर ना थान से पड़े थे। तो यहाँ पे देखिए पर्दे भी थे काफी सारे, लेकिन ये थोड़े लाइट वेटेड से पर्दे थे, जो उड़ते से रहते हैं ना, वो थोड़ी सी वो नहीं थी इनमें ग्रिप सी की, जैसे लटके से रहे।
तो लेने तो थे मुझे भी, पर मुझे ये हल्के लगे तो इसलिए मैंने लिए नहीं। तो देखिए उसके बाद हम ऊपर आए, यहाँ पे ऊपर भी आंटी ने थान में कपड़ा देखा गर्म ही कि इसमें से निकलवा लेंगे। वहां पे रश इतना था किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो फिर हम दोनों आ गए थे वहां से, ज्यादा देर फिर हम रुके नहीं। तो बस जी यहाँ पे हमने शॉपिंग की, उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, घर आके खाना खूना बनाया क्योंकि बच्चों को भी लेके आना था, और खाना बना के फिर मैं चली गई थी पीहू रूही को लेने के लिए। और जब मैं आई तो आंटी अपने दूसरे काम पे लगी हुई थी। तो जी हम आ गए थे मार्केट से, मैं और आंटी, आंटी को भी जो सामान लाना था वो भी ले आई, एक दो जो मुझे लाना था मैं भी ले आई, और अब मैं लेके आई हूँ पीहू को। आज ना मेरी रेल बन गई, पहले यहाँ से लेकर आधे रास्ते तक पैदल गए, फिर ऑटो मिल गया, फिर वहाँ से लेकर बस स्टैंड से लेकर फिर रौनक वाले होटल वाली साइड पैदल गए, फिर वहाँ से घर तक पैदल गए, घर से फिर दुकान तक पैदल गए, और अब तो जा लेने भी पैदल गई है रावे। आज तो मेरी कम से कम 4-5 किलोमीटर चल दी होंगी मैं आंटी जी, थक गई मैं। और ये लो आंटी जी भी आते ही लग गई अपने काम पे। आज तो अंकल जी ने उजाड़ सी दी, खाली सा लग रहा बड़ा सा। क्या पालक लगाओगे आंटी जी क्या? हाँ मैं बता के गई थी बेटे दीदी को, उसे रूही को बता के गई थी। ढूंढ रहे हैं कहाँ? हाँ ढूंढ कहाँ ली यार, इन्हें कोई पूछे नहीं, वो आज मार रहता है। हाँ कौन सी मार्केट में गया ढूंढ है कृष्ण, कौन सी मार्केट में गया तो ढूंढ ना। अब निश्चय आपको बताएगा क्या लगाओगे आंटी जी। कृष्णा बैग ऊपर ले जा बाबू, पालक लगा लेंगे, मेथी मूली मूली तो लगने की नहीं। रूही पीहू बैग कोई बात नहीं अंकल जी, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाएगा। अच्छी बात है। हाँ सही है, अब जो बछरी थी तो उसे अखबार वाले अंकल जी को दे देते ना तोड़ के बेल, तो लगा लेते जाके जड़ सही, तो एक इन वाले अंकल हर को दे देते, एक अखबार वाले अंकल हर को दे देते। ये तो पहले तो हल भी चलाना पड़ेगा इसमें, बैल लाने पड़ेंगे। फूल इतने सुंदर सुंदर लगा रखे आपने सारे, और इसके बेल के नीचे सारे छुप गए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 7:30 और बच्चे उठ गए हैं, मतलब ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं क्योंकि स्कूल जाना है, और इधर हो रही है उनके नाश्ते की लंच की तैयारी। यहाँ पे देखिए दूध बन रहा है, क्या बनाना है? मूली की सब्जी, सूखी मूली की सूखी सब्जी बनेगी आज ना। अरे ये तो सूखी सब्जी तो बना दूंगी, वो कृष्णा सब्जी नहीं खाता, वो पराठा खा लेगा इसका। एक मन ये हो रहा है मैं सब्जी से छोंक के बच्चों को पराठे दे दूं बना के, सब दोपहर को सब्जी खा लेंगे। नहीं नहीं खा लेगा वो, खाता नहीं वो, छोड़ का जा सर। उसका प्याज का पराठा बना देंगे, कोई नहीं उसका अलग से प्याज का बना नहीं। बेटे ये ऐसा सब्जी है, मूली की सब्जी ही लेकर जाओ, या इसका सब्जी बना के इसका पराठा बना दो। नहीं बनेगा पराठे में मजा नहीं आता, फिर वो ना सब्जी ठीक अच्छा लगे। मम्मी तो ऐसे ही बनावे, मम्मी की कला तो हमारे अंदर है क्या? नहीं वैसे नहीं, मैं कह रही कि मेरे में कला, पर मैं तो वैसे बता रही, मैं मम्मी भी पराठे की इसका सब्जी का रेडी शेडी हो गया, बस बाल बाल रह गए ना, ना तो कल लिया था आके, है ना। बच्चे क्या करेंगे वहां से आके ना, स्कूल से आके ना लेते हैं तो फिर वो वाली टेंशन खत्म रह जाए इनकी सुबह उठ के ना। हाँ और फिर ना ठंड लगती है बस में, आजकल सर्दी वैसे है तो इनको बोला हुआ कोई बात नहीं है ना। ये है रवि का आई कार्ड है ना, इसमें भी ऐसी है क्यूटी सी तो। और इधर ये भी हो गई है तैयार, और कृष्णा भी लेटा हुआ है, कृष्णा उठने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि एक तो आज ठंड बहुत ज्यादा, आज सुबह की ना ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। ले तो रहा है अंगड़ाई सी कृष्णा, राधे राधे शिशु, राधे राधे कृष्णा, राधे 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 राधे। और यहाँ पे दिखा दूँ, देखो हिल एरिया का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ना धूप निकल जाती है सुबह, और 7:30 का टाइम है और धूप देखो निकल गई है। ठंड काफ़ी है लेकिन धूप जो है वो भी साथ ही निकल रही है, और मौसम हल्का हल्का सा वैसे लग रही है जैसे हल्की हल्की धुंध टाइप सी, वैसे ठीक है, साफ सुथरा है, और अलग सी फीलिंग आती है इधर ना।
वैसे तो मैं दिखाता रहता हूँ आपको ये सारी चीजें, लेकिन हर रोज का मौसम जो है वो एक बिल्कुल अलग होता है। और दोनों बहनें सुलझा रही है यहाँ पे ये बाल, ताकि इनकी माता को कम मेहनत करनी पड़े। है रुई है? तो जी आज सब्जी जो बन रही है ये मम्मी के उसके थ्रू बन रही है, जैसे मम्मी बनाती है ना गाँव में वैसे। यहाँ पे पहले ये उबाल ली थी, उबाल के रात की उबाल थी। अब प्याज का तड़का लगाना, इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है ना, डालने को तो कुछ भी डाल लो, बस हमें नहीं अच्छी लगती वो चीजें, वो खट्टी 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 सी लगे, जो मूली का अपना स्वाद है वो खत्म हो जाए टमाटर वगैरह जो कोई, मुझे तो ऐसा ही लगे। अब बस इसको भूननी है और बाकी दाल चावल किस टाइम खाओगे आप? दाल चावल खाते खाते बोर हो गए है ना? हम तो नहीं हुए बोर भाई, पहली तो बात चावल मैं बनाऊंगी तब जब कोई आवे या कुछ स्पेशल हो या कड़ी वगैरह हो। हमारे यहाँ ना चावल दाल चावल को ना ये बोलते थे जैसे बड़े भी की सकरान्ना बन रहा है, तो सकरान्ना हमारे यहाँ बीबी हमारे घर ये आया कि एक टाइम दाल चावल जरूर बनेंगे, अगर मतलब यूँ कह लो कि आपकी हाँ भाई हमें खाना पसंद है या हम ऑब्सेस हैं उसके लिए, लेकिन हमारे घर का आज भी है कि एक टाइम दाल चावल जरूर चाहिए। हिमाचल में मैंने देखा अगर वहाँ पे चावल ना बनाए ना वे खाते ही नहीं, बिहारी भी बहुत चावल खाते हैं जो बिहार साइड के होते हैं, बंगाली भी, ऐसा तो क्या मतलब में सारे बेचारे खाना नहीं खाते क्योंकि अपनी अपनी डिश होती है। यूपी वाली साइड जहाँ हम रहते हैं चावल बहुत उगता है वहाँ पे, सब चावल खाते हैं और सस्ता कुछ नहीं है जी, आज दाल ज्यादा महंगी है सब्जियों से तो हम महंगा खाना खाते हैं, जो कमाते हैं ना तरह तरह कमाते हैं तो हम खाते हैं। सबसे मेन बात है जी पेट भरना चाहिए, और जिस चीज में पेट भर जाए वो सबसे सही है, दाल चावल में हमारे बच्चे खुश हो रहे पेट भर कर खा रहे तो हमारे लिए वही बढ़िया है। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बच्चों का सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, मूली मैंने रात के टाइम ही उबाल के रख दी थी। आप लोग पूछ रहे थे कि उसमें स्मेल हो जाती है, तो उबाली हुई में तो नहीं होती इतनी, और मतलब उनको मैं बाहर वाली सी साइड रखती हूँ, खिड़की के पास रखती हूँ, खिड़की ओपन रहती है तो इतनी अंदर नहीं आती स्मेल। और जिनको नमक लगा के रखते हैं ना मतलब पराठे वगैरह के लिए, उनमें से ज्यादा आती है कच्ची मतलब सब्जी में से ज्यादा आती है, पका के इतनी नहीं आती क्योंकि उबल जाती है तो उनमें से पानी के साथ स्मेल भी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ, और बच्चे मेरे जैसे मैंने पहले भी बताया मूली की सब्जी बहुत खुश होकर खाते हैं, ऐसा है इनका कि मतलब पराठे ना दो। और अब गर्मी सर्दी सर्दी ये सारी जो सब्जियां होती है ना जैसे मूली हुई, मेथी, पालक या बथुआ, ये सारी चीजें मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ज्यादातर के साथ दिक्कत ही होती है, वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो खाते नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ज्यादातर सारी ही चीजें खा लेते हैं, बस गर्मियों में वो लौकी और तोरी खाते हुए थोड़ी सी हिचकती हैं, नहीं तो खा ही लेती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं खाना वगैरह सब्जी बना के छोंक के मैं आ गई थी बच्चों के बाल बांधने के लिए, उधर कृष्णा को उठाने में लग रही है रूही, तो कृष्णा भी उठ जाएगा। और बच्चों को मैं स्कूल से आके नहलाती हूँ क्योंकि सुबह ही बच्चे जाते हैं तो ठंड लगती है और बच्चों के बाल फिर गिल्ले वगैरह हुए रहते हैं, और बस में भी हवा लगती है, सिस्से खोल के बैठते हैं बच्चे, तो इसीलिए जब वो स्कूल से आ जाते हैं मैं उन्हें तब नहलाती हूँ, बाल वगैरह जो भी धोने होते हैं तो तब। तो सुबह ही बच्चे भी फिर आराम से तैयार हो जाते हैं, खुद इतना प्रेशर नहीं होता कि भाई मतलब बच्चों को नहलाना धुलाना या कुछ करना, तो मैं तो रोज ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को सुबह नहीं नहला के मैं भेजती, स्कूल से आके मैं उन्हें नहलाती हूँ रोज डेली। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियां, और पीहू कुछ करने जा रही है, क्या पानी सा लेके गई वो, क्या करने गई होगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बच्चों का नाश्ता लगा दूंगी, पीहू के डैडी भी जाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेट जाते हैं अब जा, क्योंकि कृष्णा भी गाड़ी में जाने लगा है, पहले तो ये था उनको भी कि कृष्णा को लेके जाना है स्कूटी पे, और ठंड के करके ही हमने कृष्णा की भी गाड़ी लगवाई है क्योंकि अब स्कूटी वगैरह पे जाते हैं तो खुले में मतलब हवा ज्यादा लगती है, तो इसीलिए। तो अब उनका भी ये नहीं रहा कि उन्हें भी जल्दी ही जाना है, तो वो 10-15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा लेट चले जाते हैं बाद में। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने बच्चों के लंच कर दिए हैं सेट, उनकी पानी की बॉटल्स वगैरह जो भी है, फ्रूट वगैरह पीहू के डैडी ने दे दिए थे शायद उन्हें उनकी डब्बी, तो हो गया है उनका लंच तैयार। अब मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे, तो वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।